सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। आज 23 दिसंबर सोमवार को चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM मिसाइल का एक और सफलतापूर्वक परीक्षण आयोजित किया गया है और इस परीक्षण के दौरान दो QRSAM मिसाइल्स को लाइव एरियल टारगेट्स के खिलाफ टेस्ट किया गया है और डीआरडीओ ऑफिसर्स का कहना है कि अपने टारगेट्स को सफलतापूर्वक एंगेज करके इन मिसाइल्स ने सफलतापूर्वक अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है और इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार सिस्टम और टेलीमेट्री सिस्टम की मदद से कैप्चर किया गया था। QRSAM एक ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ इक्विप किया गया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मन के रडार्स को जैम करने जैसे मिशंस में किया जा सकता है। बाकी जो इसकी ऑपरेशन रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर तक है और इस वेपन सिस्टम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और 2021 तक इसे सर्विस में इंडक्ट किए जाने की उम्मीद है। और जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, पिछले सप्ताह भी QRSAM मिसाइल के परीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि उस रिपोर्ट पर डीआरडीओ की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कुछ मीडिया सोर्सेज का ये कहना है कि जो पिछले सप्ताह QRSAM मिसाइल का टेस्ट किया गया था वो असफल हो गया था। सोमवार को इंडियन आर्मी चीफ द्वारा मेजर अनु मिश्रा को स्वदेशी तौर पर सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट्स को विकसित करने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मेजर अनु मिश्रा द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई ये बुलेट प्रूफ जैकेट स्नाइपर राइफल्स की बुलेट से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है और इस प्रोजेक्ट को खास तौर पर LOC और कश्मीर वैली पर स्नाइपर इंसिडेंट्स की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था। और अब जो ये नई सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है, इंडियन आर्मी सोल्जर्स को स्नाइपर राइफल्स की बुलेट्स के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करेगी और इस बुलेट प्रूफ जैकेट को आर्मी के टेस्ट फैसिलिटीज में इन्फेंट्री द्वारा टेस्ट किया जा चुका है। बाकी इस साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में कश्मीर वैली में एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले अपने ट्रूप्स के लिए इंडियन आर्मी ने करीब 40,000 स्वदेशी तौर पर विकसित बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सप्लाई किया था और जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई की गई थी ये AK-47 राइफल्स के हार्ड कोर स्टील से बनी एम्यूनिशन से भी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और बाकी इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस ने हवा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट्स के करीब 2,00,000 यूनिट्स के लिए भी ऑर्डर दिए हैं और इस भावा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट पर हमने भी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। आज सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि इंडियन आर्मी स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है जिसके जरिए आर्मी की कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम भविष्य के युद्धों को भारत में ही विकसित किए गए सिस्टम्स की मदद से जीतेंगे और इसी दौरान उनका ये भी कहना था कि भविष्य के युद्धों में नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हमें हमारे दुश्मनों के ऊपर एक एडवांटेज प्रदान करने में मदद करेगा और इसके लिए डिफेंस इकोसिस्टम में क्वांटम टेक्नोलॉजीज, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की जरूरत है। और जबकि एक अन्य आर्मी ऑफिशियल का ये भी कहना है कि एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए हमें हमारे देश की कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और आर्मी टेस्ट इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी हाल ही में रशिया के राज्य रक्षा समूह रोस्टेक ने चाइना पर अवैध रूप से रशियन इक्विपमेंट, रशियन वेपनरी और अन्य मिलिट्री हार्डवेयर्स की एक ब्रॉड रेंज की नकल करने का आरोप लगाया है और रोस्टेक ऑफिसर्स का कहना है कि विदेश में हमारे इक्विपमेंट की अनऑथोराइज तरीके से नकल करना एक बहुत बड़ी समस्या है और उनके मुताबिक पिछले 17 सालों में ऐसे करीब 500 मामले सामने आए हैं जिसमें से चाइना ने तो अकेले एयरक्राफ्ट इंजन्स, सुखोई प्लेन्स, टैग जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स और उनके पेंसिल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट्स की नकल की है और रोस्टेक ने चाइना के इस रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में एक ऐसे समय पर शिकायत की है जब दोनों देशों के बीच हथियारों का व्यापार काफी तेजी से पनप रहा है। और जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2018 के बीच में चाइना ही रशिया के सबसे लार्जेस्ट वेपन सप्लायर के रूप में सामने आया है। यहाँ तक कि रशिया चाइना को अपने मोस्ट एडवांस वेपनरी जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Sukhoi-35 जैसे फाइटर्स दे चुका है। लेकिन अब रोस्टेक कंपनी के ऑफिसर्स का कहना है कि अगर कोई परमिशन के बिना तुम्हारे इक्विपमेंट और वेपन्स की नकल करे तो यह हमेशा ही गलत होता है। खैर, ऐसी रिपोर्ट पहले भी एक बार देखने को मिल चुकी है जब रशिया ने चाइना के इस रिवर्स इंजीनियरिंग पर शिकायत की थी।
सोमवार को रशियन एनवॉय निकोलाई कुतुज़ेव ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगले साल 2020 में भारत और रशिया एक मिलिट्री डायलॉग को डेवलप करेंगे और इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एक बायलेटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा जो कि ब्रिक्स, एससीओ और आरआईसी जैसे फॉर्मेट्स में शामिल होंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंक्लूजन निकल जाएगा। और बाकी इसके अलावा मंगलवार को भारत और ओमान के बीच एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पैक्ट को साइन किया जाएगा जिससे भारत को वेस्टर्न इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ और ईस्टर्न अफ्रीका में अपनी पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको जिस एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था वो एयरक्राफ्ट है ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया सी हैरियर एयरक्राफ्ट जो कि एक नेवल शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था और ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में भी अपनी सर्विस दे चुका है। बाकी हम इस बेहद ही खास एयरक्राफ्ट पर डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।